नमस्कार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि खान पान और जीवन शैली के बदलाव जो एक एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी और जीईआरडी के मरीज को अपने जीवन में लाने चाहिए। एसिड रिफ्लक्स और गर्ड एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि अनुचित जीवन शैली इस बीमारी का मुख्य कारण है। अभी के समय की बदलती जीवन शैली, पश्चिमी तौर तरीके और जंक फूड की ज़्यादा मात्रा में उपयोग की वजह से ये बीमारी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, और इसीलिए खान पान और जीवन शैली के बदलाव ना केवल इस बीमारी के इलाज का एक अभिन्न हिस्सा है, पर इस बीमारी को रोकने के लिए भी बहुत आवश्यक है। एसिड रिफ्लक्स और जीईआरडी के हर एक मरीज के लिए खान पान और जीवन शैली के बदलाव बेहद ही ज़रूरी है, उनकी समस्या सामान्य हो या ज़्यादा तीव्र और सीवियर। अगर आपकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो आपको दवाइयाँ या ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, पर दवाइयाँ और ऑपरेशन के साथ में भी ये जीवन शैली और खुराक के बदलाव बेहद ही आवश्यक है अगर आप इस बीमारी को मूल जड़ से निकालना चाहते हैं। तो कौन से जीवन शैली के बदलाव आपको करने चाहिए अगर आप एसिड रिफ्लक्स या जीईआरडी से परेशान हैं? सबसे पहले स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान, तंबाकू और मदिरा यानी कि अल्कोहल बंद करें। ये सारी चीज़ें आपकी अन्नली और जठर के अंदरूनी लेयर जिसको म्यूकोसा बोलते हैं उस पर डायरेक्टली डैमेज करके अल्सर और छाले बनाते हैं। इसके अलावा जठर में से एसिड का उत्पादन भी बढ़ाते हैं और जठर और अन्नली के बीच में आए हुए वाल एलियस वाल को सुस्त और कमज़ोर बनाते हैं। इस सब की वजह से खुराक और एसिड आसानी से ऊपर अन्नली में जाकर वहाँ पर डैमेज करता है। इसीलिए अगर आपको इसमें से कोई भी आदत है और अगर आप चाहते हैं कि आपका एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए मिट जाए और आप एक अच्छा स्वस्थ नॉर्मल जीवन जिए, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इन आदतों को बदलें। दूसरा, आपके शरीर का उचित वजन बनाए रखें। मेदस्विता आपके पेट के अंदर और पेट की दीवार पर चर्बी इकट्ठा करके आपके जठर और एलियस वाल पर प्रेशर डालती है। इसकी वजह से हाइटस हर्निया होने की, एलियस वाल सुस्त होने की और एसिड रिफ्लक्स होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर आपका वजन उचित वजन से ज़्यादा है तो वजन कम करने से आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या में काफ़ी फायदा होगा। अगर रोज़ाना आप आधे से एक घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो उससे वजन और एसिड रिफ्लक्स की समस्या तो कम होगी ही, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित अनेक फायदे आपको दिखेंगे। आप वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग या आपकी पसंद का कोई भी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज से पहले आप खाना न खाएं, वरना एक्सरसाइज के दौरान एसिड रिफ्लक्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा, मानसिक तनाव और चिंता कम करें। साइंटिफिक स्टडीज़ में ये प्रूव हुआ है कि मानसिक गतिविधि और पाचन प्रक्रिया एक दूसरे के साथ काफ़ी गहराई से जुड़ी हुई है। मानसिक तनाव ना केवल जठर में से एसिड का उत्पादन बढ़ाता है, पर जठर और आंख की गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। मानसिक तनाव की वजह से एसिड रिफ्लक्स की समस्या अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए अगर रोज़ाना आप केवल 10 मिनट के लिए भी अगर मेडिटेशन करते हैं या मन और शरीर को रिलैक्स और शांत करने के लिए कोई और एक्टिविटी करते हैं तो आपकी एसिड रिफ्लक्स और दूसरी पाचन संबंधित समस्याओं में लंबे समय के लिए काफ़ी फायदा मिलता है। खाने पीने और सोने के समय को नियमित रखें। नियमित समय पर खाएं, खासकर दोपहर और रात का खाना लेट से ना खाएं। खाने के बाद तुरंत लेट ना जाएं। खाने और सोने के समय के बीच में 2 घंटे का समय रखें। समय पे और अच्छी नींद लें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने काम के समय और तौर तरीकों में बदलाव लाएं, ताकि ये खान पान और सोने संबंधित बदलाव आपके लिए मुमकिन बने। टाइट फिटिंग कपड़े और कमर का बेल्ट, वेस्ट बेल्ट अवॉइड करें। कपड़े जो पेट और कमर के आसपास टाइट होते हैं वो आपके जठर और एलियस वाल पे दबाव करके एसिड रिफ्लक्स की संभावनाएं बढ़ा देते हैं। इसलिए अगर आपको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम काफ़ी सीवियर है तो आपको ऐसे कपड़े और बेल्ट अवॉइड करने चाहिए जो आपके पेट और कमर के आसपास टाइट। सोते समय सिरहाने का हिस्सा 5 से 7 इंच ऊंचा रखें। अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या बहुत सीवियर है और खासकर रात को सोते समय आपको तकलीफ ज़्यादा होती है, खासकर खाना और एसिड ऊपर आके नींद में खांसी होती है, तो सोते समय सिरहाने का हिस्सा 5 से 7 इंच ऊंचा रखने में आपको नींद के समय होने वाली समस्या में काफ़ी फायदा मिलेगा। हालांकि इतने सीवियर प्रॉब्लम वाले मरीजों के लिए लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन सबसे उचित इलाज है, जिसके बाद में सिराना ऊपर रखे सोने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जब तक आप ऑपरेशन का विचार कर रहे हैं और ऑपरेशन करवाते हैं, तब तक ऐसा करने से आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या में काफ़ी सुधार दिखेगा। एक बात का ध्यान रखें कि केवल सर के नीचे तकिए बढ़ाने से आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको यह ध्यान रखना है कि आपका पेट का ऊपरी हिस्सा और छाती का हिस्सा ऊंचा रहना चाहिए, तभी आपको इसका फायदा दिखेगा। खान पान के कौन से बदलाव आपको करने चाहिए अगर आप एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी और जीईआरडी से परेशान हैं? आप क्या खाते हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि आप कितनी मात्रा में खाते हैं और कैसे खाते हैं। भारी मात्रा में लिया हुआ एक बड़ा खुराक आपके जठर में से खाली होने में काफ़ी ज़्यादा समय लेता है और आपके एलियस वाल पे प्रेशर और तनाव भी डालता है। इसीलिए देर रात को लिया गया भारी और बड़ा खुराक आसानी से वाल से होते हुए ऊपर अन्नली की तरफ आता है। खुराक के साथ साथ जठर में बना हुआ एसिड भी ऊपर आता है, और अगर खाना तीखा, मसालेदार, चर्बीयुक्त और तला हुआ हो तो तकलीफ और भी बढ़ जाती है। इसलिए एक साथ ज़्यादा मात्रा में खाने के बजाय आपको कम मात्रा में खाना, दिन में 4 से 5 बार खाना चाहिए। खाना खाने के बाद तुरंत लेटे नहीं या कसरत ना करें। खाना तनाव मुक्त वातावरण में स्वाद लेके धीरे से खाएं, जल्दबाजी में बिल्कुल। कौन से खुराक आपको अवॉइड करने चाहिए? कई खाने के और पीने के पदार्थ एसिड रिफ्लक्स होने की संभावना और तीव्रता बढ़ाते हैं। कुछ खुराक जठर में से खाली होने में ज़्यादा समय लेते हैं, तो कुछ खुराक जठर में से एसिड का उत्पादन बढ़ाते हैं या खुद एसिडिक नेचर के होते हैं।
और कुछ खुराक एलियस वाल को सुस्त बनाकर एसिड रिफ्लक्स की संभावनाएं बढ़ा दें। पर कौन से खुराक से एसिडिटी होती है वो हर इंसान से इंसान अलग होता है, इसलिए आपको अपने खान पान के तरीके और अपनी तकलीफों का बारीकी से विश्लेषण करना चाहिए और जो चीज़ें खाने से आपको एसिडिटी होती है वो चीज़ें आप अवॉइड करें, न खाएं या कम मात्रा में खाएं। सामान्य तौर पर ये सारी चीज़ें आपको कम खानी चाहिए या न खानी चाहिए अगर आपको एसिड रिफ्लक्स होता है। पहला, तीखी मसालेदार तली हुई और चर्बीयुक्त चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और अन्य गैसयुक्त पदार्थ, चीनी, मैदा और अन्य प्रोसेस्ड फूड्स, हाई फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको लो फैट मिल्क, लो फैट दही और लो फैट पनीर खाना चाहिए, कुछ सब्जियां जैसे कि टमाटर, लहसुन और प्याज, खट्टे फल जैसे ऑरेंज, पाइनएप्पल, नींबू। खट्टे फलों के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि खट्टे फल इस बीमारी का मुख्य कारण नहीं होते हैं, तो जिनको एसिड रिफ्लक्स की समस्या ज़्यादा सीवियर होती है उनको ये फल खाने की वजह से जलन और तकलीफ ज़्यादा होती है, ऐसा इस फलों में रहे साइट्रिक एसिड की वजह से होता है। पर जो मरीजों का एसिड रिफ्लक्स दवाइयाँ या ऑपरेशन से कंट्रोल में होता है वो ये सारे फल खा सकते हैं। वैसे भी खट्टे फल एक हेल्दी और पौष्टिक खुराक का एक मुख्य हिस्सा है और हम सबको एक स्वस्थ जीवन के लिए सही मात्रा में नियमित रूप से खट्टे फल खाने चाहिए। इसलिए अगर आपको इलाज के बावजूद भी खट्टे फल से प्रॉब्लम होता है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और इलाज में ज़रूरी बदलाव करना चाहिए। आशा है कि ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मदद रूप होगी इस बीमारी से निकलने के लिए और एक स्वस्थ, नॉर्मल और हेल्दी जीवन जीने के लिए। मेरी आपको शुभकामनाएं।